अभी का रिव्यू हम करेंगे टी सीरीज के 20 अननोन फैक्ट्स के बारे में, जो कि भारत देश का पूरे विश्व में इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसने 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 20 पे है टी सीरीज, जिसमें टी स्टैंड्स फॉर त्रिशूल, जो कि लॉर्ड शिवा का वेपन है। नंबर 19 पे फैक्ट है, गुलशन कुमार ने 1983 में टी सीरीज का फॉर्मेशन किया था और ओरिजिनल म्यूजिक 1984 में सबसे पहले लल्लू लाम निकाली थी। नंबर 18 पे है गुलशन कुमार, जो कि पायरेटेड म्यूजिक के कैसेट्स बेचा करते थे टी सीरीज के फॉर्मेशन के पहले। नंबर 17 पे गुलशन कुमार, जो कि म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट रखने से पहले मजबूरी के कारण दिल्ली में फ्रूट जूस बेचा करते थे। नंबर 16 पे है 1980s के अंदर जितने भी बॉलीवुड के हिट सॉन्ग्स हुआ करते थे, गुलशन कुमार अच्छे अच्छे छोटे छोटे सिंगर्स को लेकर उन हिट सॉन्ग्स को गवाते थे और टी सीरीज का टैग लगा के कैसेट्स को सेल आउट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे कवर सॉन्ग्स के ऊपर कॉपीराइट जैसा कोई लॉ नहीं था। 1980s में कयामत से कयामत तक मूवी रिलीज हुई, जिसका म्यूजिक सुपरहिट म्यूजिक टी सीरीज ने दिया था और उसके 8 मिलियन रिकॉर्ड सेल हुए, जो कि उस टाइम का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। नंबर 14 पे है 1990s में रिलीज हुई आशिकी मूवी, और हम सब जानते हैं टी सीरीज ने इसका म्यूजिक सेल आउट किया था 20 मिलियन, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट सेलिंग एल्बम रह चुका है। नंबर 13 पे है गुलशन कुमार और टी सीरीज कंपनी की पॉपुलैरिटी तब बढ़ने लगी जब उनके भगवान की भक्ति के गाने घर घर में बजने लगे। नंबर 12 अननोन फैक्ट बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है, 1997 के अंदर गुलशन कुमार मंदिर के अंदर दर्शन करते हुए 16 बुलेट फायर करके उनका मर्डर कर दिया गया डी कंपनी वालों की तरफ से, जो कि मुंबई के माफिया थे और उनके लीडर दाऊद इब्राहिम थे। उसका ठोस रीजन तो पता नहीं चला है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सुपारी देने की वजह से या फिर प्रोटेक्शन का पैसा गुलशन कुमार ने डी कंपनी वालों को नहीं दिया था, इसलिए मार दिया। नंबर 11 पे है सिर्फ 41 इयर्स के गुलशन कुमार की हत्या के बाद 19 इयर्स का उनका लड़का भूषण कुमार को टी सीरीज संभालनी पड़ी, और इसमें उनकी मदद की किशन कुमार ने, जो कि गुलशन कुमार के छोटे भाई थे। नंबर 10 पर है भूषण कुमार, जिन्होंने 2006 में YouTube चैनल स्टार्ट किया टी सीरीज नाम से और 2010 से रेगुलर वीडियोस अपलोड करते गए म्यूजिक का मोटो रखते हुए। नंबर 9 पे टी सीरीज ऑलरेडी इतना पॉपुलर था कि 2011 में सिल्वर बटन ले लिया 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करके और 2013 में 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करके गोल्ड बटन ले लिया। नंबर 8 पे है 2016 के अंदर टी सीरीज की पॉपुलरिटी इतनी बढ़ रही थी कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए और यूट्यूब ने डायमंड बटन दे दिया, लेकिन ठीक 1.5 साल लगे उनको 50 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करने के लिए और 2018 में रूबी बटन भी मिल गया यूट्यूब की तरफ से। अब यहां पे पहुंचने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वॉर शुरू हो जाता है प्यूडीपाई और टी सीरीज के बीच में। नंबर 7 पे है टी सीरीज ने अक्टूबर 2018 में हाईएस्ट सब्सक्राइबर नंबर को ओवरटेक कर लिया प्यूडीपाई को और नंबर 1 पे चले गए, और इसी वजह से प्यूडीपाई का ध्यान पूरा चला गया टी सीरीज के ऊपर। नंबर 6 पे है टी सीरीज के बढ़ते पॉपुलैरिटी के वजह से और सब्सक्राइबर की वजह से प्यूडीपाई का ध्यान उनकी तरफ चला गया और 2 ऐसे वीडियोस उन्होंने अपलोड कर दिए जिनके अंदर टी सीरीज और इंडियंस को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन टी सीरीज ने रिटर्न में तो कोई जवाब दिया नहीं। नंबर 5 पे प्यूडीपाई के उन 2 गानों की वजह से टी सीरीज को शायद बुरा नहीं लगा हो, लेकिन इंडियंस को जरूर बुरा लग गया, और जब इंडियन को बुरा लग जाता है तो तब से लेके अब तक टी सीरीज हमेशा सब्सक्राइबर्स की दौड़ में आगे ही रही है, कभी प्यूडीपाई को ओवरटेक करने नहीं दिया है। और जवाब देंगे भी क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिशन ही इक्वल नहीं है, कहां प्यूडीपाई जो कि अकेला यूट्यूबर है और कहां टी सीरीज जो कि इतनी बड़ी कंपनी है। नंबर 4 और एक इंडियन यूट्यूबर होते हुए बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है ये कहते हुए कि टी सीरीज इकलौती ऐसी यूट्यूब चैनल है जिसने 100 मिलियन क्रॉस किया है, और ये 100 मिलियन क्रॉस करने के बाद देखने वाली बात तो ये होगी कि यूट्यूब कौन सा बटन देता है, क्योंकि सिल्वर मिल गया, गोल्ड मिल गया, डायमंड मिल गया, रूबी मिल गया, अब कौन सा बटन मिलेगा। अब आने वाले 3 अननोन फैक्ट्स ही डिसाइड करने वाले हैं टी सीरीज का फ्यूचर इस पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वही हमें मोटिवेट करता है आप तक एजुकेट, इंस्पायर और चेंज करने वाले रिव्यूज़ लाने के लिए। नंबर 3 पे है टी सीरीज का अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो कि 300 करोड़ का है, साहू मूवी। हम इसका ट्रेलर देख चुके हैं और एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये मूवी 1000 से 1500 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाने वाली है।
नंबर दो पे है गुलशन कुमार की बायोपिक मूवी आने वाली है 2019 एंड या फिर 2020 के अंदर, जिसका नाम होने वाला है मोगुल। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन एज अ इंडियन आपको नंबर वन अननोन फैक्ट सुनते वक्त इतना गर्व महसूस होगा। अगर हम YouTube के टॉप 10 YouTube चैनल्स मोस्ट सब्सक्राइब चैनल्स को निकाले तो उनमें टी सीरीज तो ऑब्वियसली सबको राज कर रहा है, लेकिन नंबर 5 पे है सेट इंडिया, जो कि डूड परफेक्ट और जस्टिन बीबर जैसे चैनल को पछाड़ चुका है। और इसी के साथ एक बोनस अननोन फैक्ट, जी म्यूजिक कंपनी नंबर 17 पे और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत ही जल्द ये दोनों भी चैनल्स भी 100 मिलियन को क्रॉस कर देंगे। और इसी 20 अननोन फैक्ट से ये तो प्रूव हो जाता है कि इंडियंस हर चीज में नंबर 1 पे है, फिर वो चाहे इंटरनेट की दुनिया हो, यूट्यूब हो, एंटरटेनमेंट हो, डॉक्टरेट हो, इंजीनियरिंग हो या एस्ट्रोनॉट हो, हम सब चीज में नंबर 1 है। और उसका रीजन है कि हम सभी इंडियंस एक है। तो यहाँ तक वीडियो देख के आप सबने दिल खुश कर दिया, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी ओपिनियंस। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।